हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी एंड फोटोशॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडोबी लाइटरूम क्लासिक का जो भी नया इंटरफेस आया है उसके बारे में हम देखेंगे। एडोबी फोटोशॉप लाइटरूम क्लासिक ये फोटोशॉप का एक सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो पोस्ट प्रोसेसिंग रहती है फोटोज की तो इसमें हम आके कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो भी फोटोशॉप यूजर है, मोस्टली जो फोटोशॉप में एक्सपर्ट है वो फोटोशॉप का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ डिटेल में कुछ काम करना है, वर्क करना है, या फिर आपके जो भी फोटो मैनेजमेंट आपको करना है तो आप एडोबी लाइटरूम यूज कर सकते हैं। तो एडोबी लाइटरूम ये फोटोशॉप का ही एक सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्पेशली फोटोग्राफर के लिए बनाया है जिससे आप इसमें फोटो के हिसाब से कैटलॉग बना सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको टैगिंग करना, उसको स्टार रेटिंग देना, फ्लैगिंग करना, ये सब काम इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग का भी वर्क होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब जैसे कि बहुत सारे इमेजेस है, उन इमेजेस को आपको एडिट करना है तो एक इमेज को आप एडिट कर सकते हैं और उस इमेज का रेफरेंस लेके बाकी के जो भी आपके इमेजेस रहेंगे एक ही साथ आप सब इमेजेस यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे कि हमारा लाइट रूम यहाँ पे ओपन होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैटलॉग यहाँ पे बनाएंगे। उस कैटलॉग को कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं उसका नाम दे दो। यहाँ पे समझो मैंने नाम दिया न्यू कैटलॉग। तो ये कैटलॉग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हर एक बार आपको कैटलॉग बनाना पड़ता है या फिर आप एक ही कैटलॉग में बहुत सारे कैटलॉग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि लाइटरूम क्लासिक जो सॉफ्टवेयर है वो एक बार रिस्टार्ट होकर वापिस से चालू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैटलॉग यहाँ पे रेडी हो गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स को इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट को क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, और यहाँ पे हमने कौन सी जगह पे फोटोज यहाँ पे रखी है तो ये हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखी है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने फॉर लाइटरूम करके एक फोल्डर है तो इसमें मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ऐड करके रखी है। तो यहाँ पे ये सभी इमेजेस के थंबनेल आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मुझे एक फोटो सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा या फिर इसको सिलेक्ट करूंगा या फिर मुझे सभी फाइल सिलेक्ट करनी है और इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे चेक ऑल करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही चेक ऑल हो जाएगा यहाँ पे आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको थंबनेल दिखाई दे रहे तो ये थंबनेल की मदद से आप इमेज को आप यहाँ पे कम ज्यादा करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम चेक ऑल किया यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे फाइल बहुत कम थी इसलिए एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो इमेजेस यहाँ पे फोल्डर में रखी थी वो सभी की सभी फाइल्स यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करके लेके आया हूँ। और इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं ये हमारा वर्क स्पेस है और ये हमारा जो राइट साइड है ये हमारा पैनल है। ठीक है, इस पैनल को आप ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अगर वापिस से चाहते हैं तो वापिस यहाँ पे क्लिक करो, ये पैनल यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरह के ट्रायंगल आपको बॉटम में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी बॉटम में ये मुझे फिल्म स्ट्रिप नहीं चाहिए या फिर ये ऑटो हाइड चाहिए तो यहाँ पे ऑटो हाइड कर सकते हैं एक क्लिक में। अगर आपको कंप्लीटली चाहिए वहां पे तो यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे रह जाएगी परमानेंट। अगर आपको ऑटो हाइड करना है, ऑटो शो हाइड, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करो तो ये एक बार आपको जैसे कि आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा तभी दिखाएंगी, कर्सर ऊपर चला जाएगा तो ये गायब हो जाएंगी। सेम उसी तरह आपके लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पे तो जगह चाहिए तो आप इस ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर भी जगह चाहिए तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पैनल अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आइडेंटिटी प्लेट है तो यहाँ पे आप अपना नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने नाम यहाँ पे ऐड कर दिया है तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे एडोबी आईडी है लाइटरूम क्लासिक पर्सनल शो स्टेटस एक्टिविटी और यहाँ पे एडिट आइडेंटिटी प्लेट है। तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है तो आप भी अपना नाम यहाँ पे दे सकते। यहाँ पे लाइटरूम क्लासिक चाहिए तो लाइटरूम क्लासिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करो, एडिट, और यहाँ पे कस्ट पर्सनलाइज करो और यहाँ पे आपके सामने ये बॉक्स आ जाएंगे।
तो इसको आप यहां से रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम देना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप भी अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप भी अपना नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी लोगो रहेगा तो ये लोगो भी आप यहाँ पे इमेज के तौर पे आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अगर आप टाइपिंग कर रहे तो यहाँ पे आपको जो फॉन्ट रखना है, कौन सा कलर रखना है, कौन सा फॉन्ट साइज रखना है, ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो मॉड्यूल दिया है, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी, डेवलप, मैप, बुक, स्लाइड शो, अगर इनको कुछ कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, इनको कुछ अलग सा फॉन्ट यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओके करूंगा, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कुछ मॉड्यूल है। अगर आपको इस मॉड्यूल में कुछ मॉड्यूल नहीं चाहिए, समझो मुझे यहाँ से मैप, बुक, स्लाइड शो, प्रिंट, वेब, ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, मुझे मैप नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, बुक नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्लाइड शो ये नहीं चाहिए, फिर ये भी, फिर ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं एक एक करके इनको हाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे सभी चाहिए तो यहाँ पे मैं शो ऑल कर सकता हूँ। सेम उसी तरह यहाँ पे हिस्टोग्राम, क्विक डेवलप, की वर्डिंग, की वर्ड लिस्ट, मेटा डाटा, कमेंट, से इसमें से कोई एक अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से एक चेक मार्क यहाँ से हटा दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ये पैनल यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मुझे सभी चाहिए तो मैं यहाँ पे शो ऑल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सोलो मोड है, सोलो मोड में क्या होगा कि जो पैनल ओपन है और जिस पैनल को भी मैं क्लिक करूंगा वही पैनल ओपन हो जाएगा और बाकी की बंद रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सोलो मोड यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक्सपांड ऑल है, जैसे मैं एक्सपांड ऑल करूंगा जितने भी सारे पैनल है सभी यहाँ पे एक्सपांड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सोलो मोड करता हूँ, जो पैनल की जरूरत है, जो पैनल यहाँ पे ओपन है वही ओपन रहेगा और बाकी के बंद रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पैनल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वापिस से यहाँ पे फोल्डर, कलेक्शन, पब्लिश सर्विस, ठीक है, और यहाँ पे कैटलॉग। तो ये यहाँ पे भी आपको कुछ पैनल यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर इसमें से भी कोई आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं इमेज में, तो फिर हम यहाँ पे आते हैं इमेज में। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ से जितने भी इमेज है हर एक इमेज को यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे दिए है, नंबरिंग दिए है 1 से लेके 9 तक। अगर मुझे कोई भी एक इमेज यहाँ पे ओपन करनी है तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डेवलप मॉड्यूल में जाऊंगा। तो यह हमारा अभी जो एक्टिव है ये है हमारा लाइब्रेरी पैनल। इस लाइब्रेरी पैनल में जितने भी सारे इमेजेस है ये हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें कुछ इमेज को एडिटिंग करना है तो यहाँ पे हम डेवलप मॉड्यूल पे जाएंगे, या फिर किसी भी एक फाइल को सिंपल कीबोर्ड से डी बटन दबाएंगे, डी बटन दबाने के बाद हम सीधे डेवलप मॉड्यूल में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं डेवलप मॉड्यूल में गया तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इमेज यहाँ पे ओपन हो गई है। इस इमेज को आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको एडोबी फोटोशॉप अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको जो एडोबी कैमरा रॉ में जो जितने भी पैनल आपको मिलेंगे वो सभी पैनल आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपको क्रॉप, हीलिंग और क्लोनिंग का, यहाँ पे रेड आई टूल और यहाँ पे मास्किंग का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हिस्टोग्राम है, फिर यहाँ पे बेसिक से लेके कैलिब्रेशन के सभी पैनल आपको यहाँ पे शो करेंगे। फिर उसके आपको इस लाइट रूम में कुछ अपने प्रीसेट अगर आपको यूज करना है या फिर कोई थर्ड पार्टी प्रीसेट आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रीसेट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ये सभी प्रीसेट आप एक एक करके यूज कर सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी प्लगइन रहेंगे, तो मतलब थर्ड पार्टी प्रीसेट रहेंगे तो आप उसको भी यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्ट का आपको बटन मिलेगा, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इम्पोर्ट का एक बटन मिलेगा, तो यहाँ से आप जो भी लाइटरूम के प्रीसेट है यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे आज के इस वीडियो में हमने देखा कि तो दोस्तों इस तरह से ये एडोबी फोटोशॉप लाइटरूम क्लासिक का एक कंप्लीट ओवरव्यू था। इसमें हमने पूरा इंटरफेस यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब का एक लिंक आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप इस माई फोटोग्राफी एंड फोटोशॉप यूट्यूब चैनल को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप आके यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो आपके काम के यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि फोटोशॉप से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, बेसिक सेटिंग है, यहाँ पे
एडोबी कैमरा रॉ की कंप्लीट एक सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एडिटिंग के कुछ वीडियोस भी आपको और फोटोग्राफी के वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करो माई फोटोग्राफी एंड फोटोशॉप, और इस चैनल को आप जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम के आईडी पे लेके जाता हूँ। इंस्टाग्राम पे आईडी हमारा है pics_retoucher। तो आप यहाँ पे मेरा जो भी काम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ न कुछ दिन में जो भी एडिटिंग का जो भी वर्क है यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको ये काम अच्छा लगा तो आप यहाँ पे आके हमारे इस इंस्टाग्राम जो आईडी है pics_retoucher इसको आप फॉलो करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप इस चैनल पे आएंगे तो आपको वीडियो सेक्शन मिलेगा। इनमें सभी वीडियो एक एक करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर अगर आपको कुछ प्लेलिस्ट आपको ढूंढनी है तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट से भी आप वीडियो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडोबी लाइटरूम क्लासिक का जो सीरीज है इसमें हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फोटोशॉप की सीरीज है, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स के, यहाँ पे फोटोशॉप के बेसिक सेटिंग है, यहाँ पे जो प्लगइन है उसकी सेटिंग है। ठीक है, तो हर एक अलग अलग प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे बना के रखी है। तो यहाँ पे आपको जो भी वीडियो आपको देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो वापस से हम चलते हैं एडोबी लाइटरूम क्लासिक में। तो इस तरह से ये हमने आज के इस वीडियो में हमने एडोबी लाइटरूम क्लासिक के बारे में आज कंप्लीट कंप्लीट मतलब जो हमारा इंटरफेस है उसके बारे में आज हमने देखा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।